हम जब भी किसी को मिलते हैं तो पूछते हैं ना, क्या हाल है आपके, कैसे हो, राइट? आई थिंक बेटर क्वेश्चन ये होगा, हाउ डिड यू स्लीप लास्ट नाइट, आपका नींद कैसा हुआ, आपकी नींद ठीक से हो रही है क्या? इससे आपको उस व्यक्ति के बारे में ज्यादा पता चल पाएगा. स्लीप इज वन ऑफ दोज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर अस दैट हेल्प्स अस टू रीसेट आवर सिस्टम, दैट हेल्प्स अस टू स्टे यंग एंड एनर्जेटिक, हैव अ लॉन्ग लाइफ विदाउट मेडिसिन ऑफ कोर्स. और ये एक ऐसा टॉपिक है जो एक वीडियो में शायद कवर नहीं हो सकता, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे सोने से पहले क्या करें, नींद की क्वालिटी इम्प्रूव कैसे करें, उठने के बाद क्या करें, दिन में ऐसे क्या एक्टिविटीज करें कि नींद टाइम पर आ जाए, खाने पीने में क्या खाए, ये सारे टॉपिक्स हम धीरे धीरे कवर करेंगे. बट आज के वीडियो में 5 ऐसे टिप्स जानेंगे सो दैट यू हैव बेटर स्लीप एंड बेटर हेल्थ. आखिरी तक पूरा वीडियो जरूर देखें, उसके बाद आपको अगर कोई सवाल होता हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, आई विल आंसर इट फॉर यू. एक सर्वे के हिसाब से इंडिया में 59% पीपल स्लीप लेटर देन 11 PM एंड 88% यूज देयर मोबाइल फोन बिफोर बेड. काफी ज्यादा लोगों को स्लीप रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, तो 5 ऐसे टिप्स जो आप फॉलो करेंगे तो आपका नींद का क्वालिटी बहुत ही अच्छा हो जाएगा. फर्स्ट, प्लान योर स्लीप शेड्यूल. हमारे लाइफ में हम सबको पता होता है जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि हम ये चाहते नहीं है, पर काफी सारी चीजें हम इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम उसका टाइम डिफाइन नहीं करते, हम डिसाइड नहीं करते कि किस समय वो एक्टिविटी को हम करेंगे. तो सबसे पहले आप प्रैक्टिकली डिफाइन करें कि आप कितने बजे सोना चाहते हैं. और अगर आप हर दिन 12 बजे या 1 बजे सो रहे हैं तो आप बोलोगे कि मैं 10 बजे सोऊंगा अब से, तो ये इम्प्रैक्टिकल है. और आप अगर मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि बेस्ट टाइम क्या है, तो मैं यही कहूंगा कि बेस्ट टाइम वही है जो आप हर दिन फॉलो कर सको. हर इंडिविजुअल का अलग क्लॉक होता है, सो आप प्रैक्टिकली ये देखें कि आपके लिए क्या बेस्ट है. हाँ, ये बिल्कुल बोलूंगा कि 7 से 8 घंटे सोना बहुत जरूरी है, सो आप डिसाइड करें कि मैं 10:30 बजे सोऊंगा या 11 बजे सोना है, जो भी आप टाइम सोच सकते हैं. अब स्टेप नंबर 2 इज लीव योर मोबाइल फोन और लैपटॉप और टीवी 30 मिनट्स बिफोर. आई नो आपको ये पता ही है कि मोबाइल नहीं यूज करना चाहिए, बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये यूज क्यों नहीं करना चाहिए. तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ब्लू लाइट. ब्लू लाइट मतलब ब्लू कलर का लाइट, सिंपल. अब ये ब्लू लाइट वही लाइट है जिसकी वजह से हमको आसमान ब्लू कलर का दिखता है, राइट? एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज ये सेम लाइट हमारे फोन में, लैपटॉप में या गैजेट्स में आता है. अब क्या हो रहा है कि जब भी हम कोई गैजेट यूज कर रहे हैं तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि ब्लू लाइट की वजह से आप दिन का टाइम चल रहा है, लाइक योर ब्रेन इज थिंकिंग इट इज डे टाइम. तो आपका जो स्लीप हॉर्मोन प्रोडक्शन है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं, जो डार्कनेस की वजह से, लाइट कम होने की वजह से आता है, वो हो नहीं रहा है. अब मेलाटोनिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो आपको या तो नींद नहीं आएगी या आपका क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छा नहीं होगा. तो वैसे तो रेकमेंड किया जाता है कि 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे पहले स्क्रीन्स बंद कर दो, बट प्रैक्टिकली 30 मिनट से स्टार्ट करना चाहिए. अब नेक्स्ट चैलेंज ये आता है कि अब 30 मिनट अगर फोन बंद करेंगे तो करेंगे क्या, क्योंकि लाइफ में फोन ही हमारा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, इजंट इट? और अगर कुछ नहीं करेंगे तो काफी चांस है कि फोन वापस यूज कर ले. इसीलिए इंपॉर्टेंट है रूल नंबर 3, आप एक बेड टाइम रूटीन बना ले. इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, टू हैव अर्ली डिनर. सो वी हैव एन वीडियो ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसमें हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि अर्ली डिनर क्यों करना चाहिए. नाउ in the bedtime routine you can have things like reading, you know, self care activities, brushing your teeth, maybe apply some face pack, etc. I'm sure you know a lot of things that you wanted to do for yourself, and also taking a warm water bath. ye ek bahut hi ideal tarika hai ki aapka neend ka quality improve ho jaye. tip number 4 would be haldi wala doodh. ek cheez bahut important hai, agar main kabhi bhi milk ka reference do तो वो हमेशा A2 मिल्क होगा. सो देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मिल्क विच इज हैविंग A1 प्रोटीन एंड विच इज हैविंग A2 प्रोटीन. अब ये एक अलग ही टॉपिक है जिसके बारे में हम कभी और बात करेंगे. आप बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि हम ये वीडियो बनाएं. बट A2 मिल्क का आप
हल्दी वाला दूध पी सकते हैं। इसमें एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ब्लैक पेपर। तो आधा ग्लास दूध, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, जो काली मिर्च होती है वो। इसका रेसिपी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, सोने से पहले अगर आप ले सकते हैं इसको तो बहुत ही हेल्प होगा। और अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है या आपको, आप वीगन हो, आपको दूध पसंद नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन हैव कैमोमाइल टी। कैमोमाइल टी इज अगेन अ गुड इंड्यूसर। एंड द फिफ्थ टिप इज भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी इज वन ऑफ द बेस्ट प्राणायाम्स टू डू बिफोर ब्रीदिंग, और यू कैन ऑल्सो ट्राई बॉक्स ब्रीदिंग। ये दोनों ब्रीदिंग कैसे करना है, इसका हमने एक अलग वीडियो बनाया है, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो बेसिकली ब्रीदिंग एक्टिविटी क्या करती है, आपके शरीर में एक पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, उसे एक्टिवेट करता है। पैरासिम्पेथेटिक मतलब जस्ट अ कामिंग रिस्पॉन्स। सो इससे आपका स्लीप क्वालिटी भी अच्छा होता है और जल्दी भी नींद आ जाती है। सो अ क्विक रिकैप ऑफ ऑल द फाइव थिंग्स दैट वी डिस्कस टुडे। फर्स्ट इज प्लान योर स्लीप शेड्यूल। आप डिसाइड करें कि आप कितने बजे सोना चाहते हैं, कितने बजे उठना चाहते हैं। सेकेंड, उस समय से 30 मिनट पहले आप अपने मोबाइल फोन गैजेट्स का इस्तेमाल ना करें। थर्ड, उन 30 मिनट में आप कोई तो ऐसी एक्टिविटी करें जो आपको एंगेज रखे, एंड सो दैट यू कैन इमीडिएटली स्लीप आफ्टर दैट। फोर्थ, यू कैन ऑल्सो ट्राई हल्दी वाला दूध। दिस इज ऑप्शनल, ऑफकोर्स इफ यू वॉन्ट टू यू कैन ट्राई, इफ यू डोंट वॉन्ट टू इट्स एब्सोल्यूटली फाइन। एंड फिफ्थ इज प्रैक्टिस ब्रीदिंग। यस, सोने से पहले ब्रीदिंग करना बहुत ही अच्छा होता है। Thank you for watching this video. So if you like this video, you might also like this video. And there is a WhatsApp community where we share a lot of resources on healthy lifestyle and better habits, good habits. If you wish to, you can join that. Thank you so much.